सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं मार्वल एवेंजर्स। और भाई पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी में क्या कुछ हुआ है। सो गाइस, जो अपने कैप्टन अमेरिका है भाई, उनकी डेथ हो चुकी है। वो एक भाई अपने एवेंजर्स के बहुत बड़े शिप पर फंस चुके थे, जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से मतलब पूरा शिप है वो ब्लास्ट हो गया 5 साल पहले। और उस ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में वायरस फैल गया और अलग मतलब बहुत सारे लोगों को सुपर पावर्स मिल गई। और उसके बाद जो है एवेंजर्स हैं वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं और 5 साल के मतलब बीत चुके हैं उस बात को, और किसी को भी नहीं पता है एवेंजर कहाँ पे हैं। और कमाला खान है भाई, वो क्या कहते हैं, एक इनके सर्वर में घुसी थी एवेंजर्स के में, और एवेंजर्स की बजाय अब एक नई जो सोसाइटी है वो न्यूयॉर्क शहर को लीड करती है, जिसे एमए बुलाते हैं। हम एमए के मतलब सर्वर्स में घुसे और उस सर्वर्स में हमने एक वीडियो मिली, और उस वीडियो से भाई हमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे भाई मतलब सभी को मतलब जो है उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे का राज पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम भाई अपनी एक सीक्रेट बेस की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम शायद थोड़ा फंस चुके हैं, तो हमें यहाँ से निकलने के लिए ओके इस स्टार के ऊपर हमें इस ऑब्जेक्ट को लाना है ताकि हम वहाँ से जंप कर निकल सकें। तो इसको मूव करते हैं वहाँ पर, उस स्टार के ऊपर कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी हुई है, आई थिंक ये वही है। तो इसको रखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। थोड़ा सा हमें इस तरफ सरकाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सरका दिया है हमने उस तरफ, मतलब थोड़ा ज़्यादा खिसका दिया है, तो इसे वापस सरकाते हैं। अब ये ठीक पोजीशन पे है, अब हम कूद कर इसे पार कर सकते हैं। तो वो सामने की तरफ है भाई, ये मतलब पानी की टंकी जैसा है, यही है हमारा मतलब सीक्रेट प्लेस। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, और इसी के अंदर हमारा पीसी है, क्योंकि भाई हमने जब उनके डाटाबेस में घुसे थे तो उन्होंने हमारा जो सिस्टम था भाई उसको कम्प्लीटली भाई ख़राब कर दिया, उसके अंदर वायरस वगैरह डाल दिया। लेकिन हम भाई अपना डाटा निकालने में मतलब सक्सेसफुल हुए, लेकिन हमें वो नहीं पता है कि वो डाटा क्या है। तो हम दूसरा पीसी पे वो डाटा चेक करने वाले हैं, इसलिए हम अपने सीक्रेट बेस पे आए हैं। यहाँ पर हमारा लैपटॉप कहाँ पे है, तो ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सिंपल सी जगह है, मतलब सामान वाम रखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर है हमारा सीक्रेट बेस। तो इसको यहाँ से खिसकाते हैं और इसके ऊपर जाना होगा अभी हमें, थोड़ा सा और खिसका देते हैं, अभी ठीक है, अभी हम चलते हैं ऊपर। सो अरे नीचे गिर गए, वापस चढ़ते हैं। सो गाइस ये आ गए हैं हम अपने बेस के अंदर, ये है हमारा असली बेस, असल में ये रहा हमारा लैपटॉप। अभी चेक करते हैं कि आखिरकार उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भाई पूरे एवेंजर ग्रुप को बिल्कुल डिस्पेयर होना पड़ा और पूरा एवेंजर ग्रुप ही खत्म हो गया है। ओके, अभी चेक करते हैं सिक्योरिटी रूम की फुटेज। ये क्या भाई, ये तो डॉक्टर चार्ल्स हैं। इन्हें तो भाई पूरा जहाज कंट्रोल करना चाहिए था, ये रिएक्टर रूम में आखिरकार क्या कर रहे हैं, मतलब चार्ल्स हैं। और कैप्टन अमेरिका भी वहां पर आ गए हैं, और चार्ल्स क्या है, चार्ल्स अब वापस जा रहे हैं और कैप्टन अमेरिका इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और ये क्या भाई, डॉक्टर चार्ल्स ने उन्हें फंसा दिया कैप्टन अमेरिका को, मतलब भाई एवेंजर्स को धोखा दिया गया है, और ये धोखा दिया है डॉक्टर चार्ल्स ने। डॉक्टर चार्ल्स एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता था, और पता नहीं ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से उसने धोखा दिया है और कैप्टन अमेरिका की डेथ कर दी है, यानी कि कैप्टन अमेरिका को डॉक्टर चार्ल्स ने मारा है। और असल में नहीं पता है कि भाई मतलब हमारे अमेरिका में कैप्टन अमेरिका मरे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली। आई थिंक वो जिंदा भी हो सकते हैं। कोई हमें मैसेज कर रहा है, कमाला हीरोज पार्क। ओके, हमें हीरोज पार्क में बुला रहा है किसी ने भाई, हमारा मतलब हमारे बारे में पता चल चुका है और कोई हमें बुला रहा है। अब ये नहीं पता ये कौन है, वहां पर जाना रिस्की भी हो सकता है, लेकिन भाई ट्राई करते हैं। हमें नहीं पता है वो कौन है, वो शायद एमए भी हो सकती है, मैक्सिमम चांस मुझे लगता है कि वो एम्स है, बाकी फिर भी ट्राई करना होगा। क्या पता वो एवेंजर्स हों और हमें भाई उनको ये डाटा भाई देना पड़ेगा, ताकि वो सभी लोगों को पता चल सके आखिरकार ये भाई गलती किसकी है, किसने भाई एवेंजर्स को धोखा दिया। तो अभी चलते हैं सीधा उस पार्क के अंदर। सो गाइस वो है सामने की साइड पार्क, हमें बस ये पेन ड्राइव देनी है और हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। ये डॉक्टर चार्ल्सन है, ये भाई पूरे शहर पर इसने कब्जा कर लिया है, सारे सभी जगहों पर इसी के रोबोट घूमते हैं, सभी जगह इसके होलोग्राम लगे हुए हैं। अबे ये नहीं गिरनी चाहिए सीढ़ी,
ओ बच गए बाल बाल। अभी इसको नीचे करते हैं। अरे हो जा नीचे, ठीक है नीचे हो गई। अभी उतरते हैं नीचे। वो भाई ये पार्क ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन भाई वहाँ पर कोई भाई ये चाल वगैरह ना चल रहा हो हमारे साथ कोई। ठीक है, यहाँ पर ये टीवी देख रहे हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या, यहाँ पर तो एक ये रोबोट है, रोबोट चेकिंग के लिए। ये पूरे एम सोसाइटी का किया हुआ है। जो भी जिन भी लोगों के पास सुपर पावर मिली थी उस बॉम ब्लास्ट के बाद, तो पूरी सिटी में भाई उन लोगों को स्कैन कर पकड़ा जाता है और उन्हें एम सोसाइटी मतलब एम का जो हेडक्वार्टर है उसमें भेज दिया जाता है, और वो लोग कभी नहीं मिलते हैं। सच में ये काफ़ी हॉरिबल चीज़ है। और भाई कमाला खान के पास भी सुपर पावर्स हैं, तो अभी हमें भी भाई संभल कर रहना होगा। इन रोबोट्स की नज़र में हम आ गए तो भाई हमारा काम तमाम है। तुरंत पकड़ कर ये हमें भाई उठा कर ले जाएंगे एम सोसाइटी के पास। तो यहाँ से निकलते हैं अब आगे की तरफ। सच में तीन रोबोट नीचे भी हैं, बहुत इंटेंस सिचुएशन है। इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये तुरंत रोबोट्स को बुला लेंगे। ये टीवी देख रहे हैं, ये यहाँ से हम निकले और बस हाँ अब पहुँच गए हैं, अब थोड़े सेफ है हम। यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। हमारी ये पावर बढ़िया है कि भाई हम पार्कोर में बहुत ज़बरदस्त है। अभी यहाँ से चढ़े ऊपर। और ये क्या लाइट, अरे बॉल बॉल बची। अभी ये रोबोट पकड़ लेता वरना हमें। पार्क अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम जल्दी पार्क तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें बस, और उसके बाद बस थोड़ी सी दूर बचता है पार्क। पार्क में पता नहीं भाई कौन हो सकता है। एवेंजर होंगे तो भाई हम उन्हें ये पेन ड्राइव देंगे और उसके बाद भाई सारी प्रॉब्लम सोल्व है। अगर वो एवेंजर नहीं हुए तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पार्क में। अभी यहां पर हमें पता नहीं भाई कौन मिलने वाला है। सो गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब छोटी सी नहीं थोड़ी लंबी है। सो गाइज फिर भी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।